काश मैंने कॉलेज पहले फ़ोन कर लिया होता। सीरियसली, अगर पहले फ़ोन कर लिया होता तो मुझे इतना दिमाग ना ख़राब करना पड़ता, इतनी गेड़ियाँ ना लगानी पड़ती। काश पहले पता कर लिया होता। हुआ क्या है बताती हूँ, इन शॉर्ट बताऊँगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी, बट हाँ बताती हूँ इन शॉर्ट कि हुआ क्या है। मेरे को ये तो कंफर्म था कि मेरे को लोन तो लेना है, ठीक है। हाँ वैसे मेरा बैकग्राउंड पहले दिखाती हूँ कि कितना मतलब ब्यूटीफुल है ये जोना जीरी, इसको तीन चार चीज़ें बोली जाती हैं, धान पंजाबी में धान भी बोलते हैं, जीरी दी फसल भी बोलते हैं, चावल, और एक मिनट पप्पा आए थे लोन के रिगार्डिंग ही बात करने। सीरियसली ओके, तो चलो काम पर वापस आते हैं, जो टॉपिक पर बात करना था। आई एम सॉरी, मैंने अभी तक अपना कॉलेज रिवील नहीं किया है, पता नहीं क्यों नहीं किया है कि कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सी IIT में जाना है, बट या सभी तैयारियां वगैरह चल रही हैं उसके लिए, बैग पैकिंग हो रही है क्या ही बताऊँ, बहुत उथल पुथल सी है काफ़ी। अच्छा चलो लोन की बात करते हैं। तो लोन का ऐसा हुआ था क्योंकि मैंने पहले जैसे मैंने सोचा ही हुआ था कि हाँ तो लोन तो लेना ही है, तो जैसे मैं गई थी पहले ही एक बार बैंक में कि मेरे को क्या क्या मतलब कहाँ पर अप्लाई कर सकती हूँ, कौन सा बैंक मैनेजर कहाँ पर मतलब मांग सकता है, तो इसके रिलेटेड जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, इधर आई बटन कहीं पर होता है, शायद इधर ही होता है वहाँ पर मैं उसको पिन कर दूँगी, देख सकते हैं आपके। मेरा फर्स्ट टाइम जब मैं बैंक में गई थी तो मैंने क्या क्या बातें की थी उनके साथ। ओके, तो ये हो अभी है सेकंड क्या, तीन चार गेड़े लग चुके हैं मेरे बैंक में, ठीक है। अभी मैं ओके ओवरऑल बताती हूँ। पहले मतलब मेरे को जब फर्स्ट टाइम गई थी तो बोला गया था ऑफर लेटर लेकर आना, मैं ऑफर लेटर गई थी, हमारा ऑफर लेटर आया था 11 जुलाई को, ठीक है, 11 जुलाई को ऑफर लेटर आया, 12 जुलाई को 12 जुलाई को फिर मेरे को कॉलेज में उसमें बैंक में चली गई थी, बैंक में गई थी मान लो पंजाब एंड सिंध बैंक में गई थी कि हाँ वहाँ पर मेरा अप्लाई कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हाँ फिर उसके बाद बैंक में अप्लाई करने के बाद फिर मैं गई थी मतलब वहाँ पर, अब जब मैं अप्लाई करने गई थी तो ठीक है उस दिन मतलब सर को मैंने बताया कि मेरा जो एक तो अजीब चीज़ ये हुई है कि अगर उन्हें बता दिया चलो ठीक है, जिसको मेहनत करके ढूंढना हुआ तो ढूंढ लेना, जो कॉलेज वालों ने बताया हमको ऑफर लेटर में वो ये कि आपकी जो लास्ट डेट है फीस फिल करने की वो है आपकी 16 जुलाई, मतलब 12 जुलाई को ऑफर लेटर आया, 16 जुलाई को आपकी लास्ट डेट है फी फिल करने की। बट इसमें भी इम्प्रेसिव थिंग ये है, 12 को है फ्राइडे, फिर आता है सैटरडे, फिर आता है संडे, और फिर आता है मंडे, मतलब 12-13 को बंद है बैंक, 14 को भी बैंक बंद है, और 15 को ओपन है। मतलब अगर मेरे पास 12 से लेकर 16 के बीच 4 दिन थे, उसमें 2 दिन बैंक ऑफ है, 2 दिन मुझे मिल रहे हैं बैंक में अप्लाई करने के लिए लोन के लिए। बैंक वालों ने तो काफ़ी मेरा साथ दिया कि हाँ लोन अप्लाई हो जाए, बट बात ये हुई कि क्योंकि अभी अभी मैनेजर्स की पोस्टिंग हुई है तो उनके पास, और वो बैंक भी अभी 3 साल से ही वहाँ पर खुला है, तो वहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए वहाँ पर बंदे भी नहीं हैं ये कह लो, तो उस वजह से मैनेजर खुद ही अप्लाई कर रहा था, बट उसको भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और वहाँ पर ज़्यादा ऑडियंस मतलब वो भी नहीं आते, पब्लिक भी नहीं आती है उस बैंक में ज़्यादा, तो हम लोगों ने उसी बैंक को चूज़ किया था कि हाँ चलो इसके पास पब्लिक ज़्यादा नहीं आते तो ये काम कर देगा, बट ऑन दी अदर हैंड ये भी था कि उसको ज़्यादा चीज़ें पता भी नहीं थी, बट इधर उधर से पूछ कर या फिर सब कुछ करके वो कर भी रहा था। पर प्रॉब्लम एक ये हुआ कि उसने मतलब सर ने मुझे, बैंक मैनेजर ने आज मतलब 15 जुलाई को, मैं सुबह भी उनके पास गई थी, आज मेरे को 15 जुलाई को उन्होंने कॉल पर ये बोला अभी शाम को, हम जैसे मेरी जो टोटल फीस है लोन में, मैं एक चीज़ बताती हूँ,
लोन में आपको जो कॉलेज का फीस होता है, जो आपको पूरा ऑफर लेटर में आता है कि कितना फीस अमाउंट होगा, वो अगर आपको लैपटॉप लेना है वो, या फिर बुक्स लेनी है वो सब चीज़ें आपको इन्क्लूड करके उसमें लोन में मिल जाती हैं। तो मैंने ये सब बातें उनको बताई हुई थी कि मेरे को जो फीस है मेरी वो 160,000 ऐसे अप्रोक्स बन रहा है, 160,000 मेरी फीस बन रही है। मैंने उनको बताया कि मेरी कितनी फीस है, मुझे लैपटॉप लेना है तो लैपटॉप मुझे 50K का लेना, 50,000-60,000 का लूँगी, और बुक्स का मैंने 20,000 डाला था, ठीक है। तो टोटल अमाउंट मेरा बन रहा था 2,20,000 कुछ बन रहा था, 2,20,000 का मैंने उनको बोला था मैं इतना लोन लेना है, बट ठीक है उन्होंने कम करवा कर मेरा 2,00,000 का लोन कर दिया कि आपको ज़्यादा साइन नहीं करवाने पड़ेंगे किसी अथॉरिटी से भी, 2,00,000 से अगर कम अमाउंट होता है। बट फिर उसके बाद हुआ, फिर उन्होंने मुझे बोला, वैसे ये चीज़ें लिख कर बताने वाली होती हैं बट ठीक है कोई ना, मैं थोड़ा सा नीचे मेंशन कर दूँगी। फिर उसके बाद मेरे को आज फ़ोन आता है कि नहीं आपको 2,00,000 लोन नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 1,27,000, हाँ मतलब 1,27,000। मैं भिड़ गई बैंक मैनेजर के साथ इस बात पर। पहले उनसे मैंने अभी पूछा कि क्या आपने अप्लाई नहीं किया अभी तक लोन के लिए, वो कहते कर दिया। मैं क्या, अगर लोन अप्लाई कर दिया है और अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ मुझे कितने अमाउंट का लोन लेना है, तो मुझे कल फीस चाहिए, कल लास्ट डेट है 16 जुलाई, फीस चाहिए मुझे फर्स्ट सेम की, वो कहाँ से मिलेगी अगर डे ही डिसाइड नहीं हुआ कि मुझे लोन कितना लेना है। मैंने उनका कहा, मैं कहा कोई ना मैं कॉलेज मतलब IIT में फ़ोन करती हूँ, वहाँ से पता करती हूँ कि मुझे टोटल फीस जितनी है उतना लोन अमाउंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लैपटॉप के लिए मिल रहा है लोन या नहीं मिल रहा है। अगर मुझे कॉलेज से IIT से मिल रहा होगा तो मैं आपके बैंक से लोन नहीं लूँगी, फिर कॉलेज जाकर ही लूँगी। जब मैं मैनेजर को ये बात बोली उसने फ़ोन काट दिया डायरेक्टली। लेकिन जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था काश 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 मैं पहले कर लेती, तो उसका वजह ये हुआ कि अगर मैंने काश फ़ोन पहले कर लिया होता, मुझे बोला गया था, स्टूडेंट्स ने ही बोला था कि अगर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है तो आपके फादर के साइन चाहिए होते हैं और आपके फादर को IIT में बुलाया जाएगा साइन करवाने के लिए। इस वजह से मेरे को जल्दी हो रही थी कि मैं अपने ब्रांच, जो मेरे लोकल एरिया की ब्रांच है वहीं से करवाऊँ, इसी वजह से मैं दौड़ भाग कर रही थी। बट आज जब मैंने कॉल करके उन मैम को पूछा, मैम को फ़ोन किया, बैंक मैनेजर जो SBI की गुवाहाटी कॉल IIT में हैं, उनको जब मैंने कॉल किया तो वो बोले कि उन्होंने मुझे फिर पूरा प्रॉपरली क्लियरली बताया कि आपको क्या क्या लोन में अमाउंट में मिलता है। चलो यार मैं बैठे बैठे दुखी हो गई हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे को कम्प्लीटली बताया कि लोन अमाउंट में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। लाइक उन्होंने फिर बताया मेरे को कि आपको पूरी की पूरी जो 1,60,000 आपकी फ़ीस बन रही है वो आपको पूरी मिलेगी। लैपटॉप के लिए उन्होंने ये बताया कि जितनी आपकी टोटल अमाउंट होती है उसका 30%, जो टोटल अमाउंट का मतलब आपकी फ़ीस का 30% आपको उसमें मिलेगा, फ़ीस का 30% आपको लैपटॉप के लिए मिलेगा। और फिर मैंने कहा, मतलब वही चीज़ हुई ना कि मैंने सोचा हुआ था कि मैं लोन वहीं से लूँगी जहाँ से मेरे को पूरा मिल रहा है, तो इस बात की फिर क्लियर करते हुए फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ मैं जो लोन है वो कॉलेज में IIT में जाकर ही लूँगी अब, और फर्स्ट सेम की फ़ीस जो है उसका मैंने हीला कर लिया, वो कहीं ना कहीं से चलो मैंने मैनेज कर लिया। बट मैं चाहती थी कि मेरी फर्स्ट सेम की फ़ीस बैंक जैसे जाए ता जो मेरे पास जो पैसे हैं वो मुझे इधर उधर से कहीं लेने ना पड़े। एक बात बताऊँ, मैं इधर उधर से जो पैसे लिए घर वालों को बताया नहीं है कि मैंने इधर उधर से दोस्तों से पैसे बनाए लिए हैं। चलो कोई ना। और हाँ तो यही था, मतलब अगर पहले मैं आपको भी यही गाइड करूँगी, मैंने 2 जगह वैसे अप्लाई भी किया था, हमें तो बोला जाता है कि जब भी अप्लाई करना है विद्यालक्ष्मी पोर्टल, जन समर्थ पोर्टल और विद्यालक्ष्मी पोर्टल दोनों में अप्लाई कर सकते हो। मैम बोल रहे थे, जो मैं IIT से अभी कॉल किया था, वो बोल रहे थे कि अगर आपकी मतलब आपका 4,00,000 से कम है लोन तो आप जन समर्थ पोर्टल पर अप्लाई करना, वहाँ पर आपको सब्सिडी मिलेगी। लेकिन अगर आपकी लोन अमाउंट 4,00,000 से 9,00,000 के बीच में है तो आपको सब्सिडी मिलेगी, और वहाँ पर
विद्या लक्ष्मी पोर्टल में मिल जा सकती है। तो ये बात उन्होंने मुझे बताई। हाय कीड़ी लड़की, आंट कीड़ी एक मर्डर हो गया क्योंकि उसने मुझे काटा। हाँ चलो, बस यही था। मेरी माँ दुखने लगी, पंजाबी मेरी माँ बोली। चंदा मामा दिख दे, चंदा मामा दिखाऊँ? वो चंदा मामा है, वो किधर है, वो चंदा मामा। दिखाऊँ ये मेरे हाथ थे आते। हाँ बस ठीक है, दिख गया। चलो जी, चंगा जी, बाय जी, टाटा जी। ये है मेरा गांव। हाँ मेरे कुछ दिन रह गए हैं IIT जाने दे विच, फिर मैं तो चली जावांगी इस हरियाली में छड़ के दूजी हरियाली विच रहने दे लई। ये पीछे वाला गांव हमारा, मतलब घर हमारा है। वहाँ जो लाइट्स चल रही हैं, मतलब ये मेरे घर के पास जामुन का पेड़, जो आजकल जामुन सब खा रहे हैं। अमरूद खा रहे हैं, जामुन खा रहे हैं, पहले अंगूर खाए थे, उससे पहले हमने आड़ू भी खाए हैं, उससे पहले हमने पपीता, जो हमारे घर लगा हुआ है, उससे पहले अनार भी लगे हुए हैं, वो भी लगे हुए हैं, पता नहीं कब तक पकेंगे। अमरूद का बूटा तो घर पर ही लगा है, आम भी खाए हैं और केले का बूटा भी लगा हुआ है, बनाना वो भी खाया जाएगा, वो भी लगा हुआ है उसके, मतलब जो आम, मुझे लगता है केला भी कच्चे हैं, वो हरे हरे ही हैं अभी। एजुकेशन लोन के बीच में व्लॉगिंग करती है। चलो कोई ना, बाय बाय, टाटा 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 टाटा, मिलेंगे फिर से। और हाँ मैं कॉलेज बता दूंगी, सिर्फ प्राइस होगा। बाय बाय।